वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी थर्ड पार्टी बिजनेसमैन की पीछे की दरवाज़ा जलने लगे तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था, और अगर बहुत ज़्यादा जल रहा हो तो बर्नर लगा लेना। नमस्कार दोस्तों, तो आज का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जर्मन अंगोरा के ऊपर। इनका साइज क्या होता है, इनका प्राइसिंग क्या होता है, और आप लोग एक प्रॉपर जर्मन अंगोरा को कैसे पहचान सकते हो, तो इन सारे बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। मैं हूं अभिषेक और आप लोग देख रहे हैं सोनारपुर रैबिट फार्म। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये दो जो है फीमेल है, ये वाला वाइट है एल्विनो जर्मन अंगोरा, ठीक है। तो इनका लुक देख सकते हो आप लोग कितना ब्यूटीफुल है। और फ्रेंड्स, अभी जो आप लोग इन लोगों के शरीर में जो फार देख रहे हो ना, तो ये फार 1/3 है, मतलब जो एक्चुअल फार होता है तो उनको दो बार ट्रिमिंग किया गया। पहले तो हमारा जो ब्रीडर था उसने खुद ट्रिमिंग करके लाया था, और फिर मैंने भी ट्रिमिंग किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अगर इन लोगों को सर्वाइव कराना है तो फार ट्रिमिंग करना पड़ेगा, वरना ये लोग नहीं बच पाएगा। ये दूसरा था, ये फीमेल है, ठीक है। ये वीडियो मैंने रात के टाइम पे शूट किया था, तो थोड़ा सा फ्लैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये वाला ब्लैक का है, अब देख लो इसका लोग देख रहे हो गाइस। तो मतलब ये एकदम प्योर ब्रीड का है और जर्मन अंगोरा है। दोस्तों अभी बात करते हैं साइज का। तो एक न्यूजीलैंड ब्रीड का रैबिट है, न्यूजीलैंड गोल्डन फीमेल है। तो इनका साइज देख सकते हो आप लोग, ठीक है, नॉर्मल साइज है। और एक बेल्जियम ब्रीड का है, न्यूजीलैंड से थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, और इनका फार लगभग 3 इंचेस के आसपास होता है। मतलब बेल्जियम ब्रीड का फार न्यूजीलैंड से बड़ा होता है और थोड़ा सा साइज में भी बड़ा होता है। फ्रेंड्स, एक राशियन चिलचिला है, और रैबिट का जितने भी सारे स्पीसीज है तो सबसे मतलब मूडी जो रैबिट होता है ना, क्योंकि इनका एटीट्यूड सबसे हाई होता है हमेशा। तो अगर आप पहली बार रैबिट पाल रहे हो तो हो सके तो आप लोग चिलचिला का ऑप्शन स्किप कर लेना। फर्स्ट टाइम कल्टीवेशन के लिए न्यूजीलैंड ब्रीड ही सबसे सही होता है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, जर्मन अंगोरा। तो अंगोरा का जितना भी सारे स्पीसीज होता है, मान लीजिए कि साटिन अंगोरा या फिर इंग्लिश अंगोरा, इन सबसे ज़्यादा साइज में बड़ा और देखने में भी मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट होता है, और कान के ऊपर ऊपर भी फार रहते हैं, ठीक है, और फोरहेड के ऊपर भी मतलब फार रहता है। आप लोग देख सकते हो एक ब्लैक वेरिएंट का है, ठीक है। तो इनका जो अगर आप ट्रिमिंग नहीं करेंगे ना, तो ब्रशिंग तो करना ही पड़ेगा हर हफ्ते, और अगर आप ट्रिमिंग नहीं करेंगे तो मतलब पूरा आँख ढक जाता है, ठीक है, और साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर आपके पास 4 अंगोरा है तो लिटरली मतलब इन लोगों का फार इतना जल्दी बढ़ता है कि आप 1 महीने में ट्रिमिंग करके एक तकिया बना सकते हो। मतलब इन लोगों का फार बहुत जल्दी बढ़ता है, और मतलब ये लोग एकदम फ्रेंडली होते हैं। जर्मन अंगोरा पालने के लिए आप लोगों को टेम्परेचर 35 डिग्री से नीचे हमेशा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गया प्योर ब्रीड अंगोरा के बारे में। तो अभी हम आप लोगों को एक अंगोरा दिखाने वाले हैं, ऐसा अंगोरा जिनका पहला ए मिसिंग है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को यूट्यूब की सर्च ऑप्शन पे लिखना पड़ेगा जर्मन अंगोरा कोलकाता। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन एंड आप लोगों को ये हसीन चेहरा देखने के लिए मिलेगा, जिनका कहना है कि ये अंगोरा है और 2000 रुपये में बेच रहे हैं। तो इस वाले वीडियो को आप लोग 2 मिनट 25 सेकंड के बाद से देखना, ठीक है, तो आप लोगों को पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को ये वाला वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो इसको मतलब फुल चौड़ में धूप में लेके खड़ा है। तो अगर ये सच में अंगोरा होता तो फटके 4 हो जाता, सिर्फ अंगोरा का नहीं आपका भी, क्योंकि इन लोगों का जो टेम्परेचर होता है वो कोलकाता का ओपन प्लेस में, ओपन सनलाइट में आप नहीं रख सकते हो। फ्रेंड्स, ये चीज़ आप लोगों को कैसे अंगोरा लग रहा है? अगर ये अंगोरा है ना तो मैं टगलू बॉस हूँ। फ्रेंड्स, ये 2000 अंगोरा की रैबिट का जो सच्चाई है वो अभी आप लोगों को दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी आप लोग जो पिक्चर देख रहे हो ना, तो ये एक साटिन अंगोरा है जो बांग्लादेश में बड़े तादाद पे कल्टीवेशन किया जाता है। और अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो इनका सिर्फ कान में फार नहीं होता, कान में और कान के पीछे, लेकिन फोरहेड में फार होता है। लेकिन आप जो पहले वीडियो में देखे थे ना, तो उनका फोरहेड में फार है ही नहीं। बांग्लादेश में मेरा एक दोस्त थे रब्बी भाई करके, ठीक है रब्बी भाई, तो उनका एक पेट शॉप भी है और तीनों कलर में साटिन अंगोरा उनके पास हमेशा अवेलेबल होता है। ये मार्केट वाले लोग तो न्यूजीलैंड ब्रीड को बेल्जियम बोल के सेल कर देता है, तो अंगोरा कौन सी चीज़ है? साटिन अंगोरा एक ऐसा ब्रीड है जो कि बेल्जियम का एडवांस वर्सन है। अब लोग मतलब थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, एक बेल्जियम है, एक गोल्डन कलर का है, और इस गोल्डन कलर का भी साटिन अंगोरा होता है जो मैंने रब्बी भाई के पास वीडियो कॉल पे देखा था। तो आप लोग समझ लीजिए कि इससे भी बहुत ज़्यादा बाल जो होता है ना फार, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो फोरहेड के साइज भी होता है। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है ना 2000 वाला, तो उनका आप फोरहेड में अगर देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अंगोरा की तरफ जो कि वीडियो में दिखाया गया है। तो इनको बोल रहे थे कि ये एस कलर का है। तो भैया आप पहले कलर की पहचान तो कर लो, रैबिट बाद में भेजना। जर्मन अंगोरा प्योर ब्रीड देखने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे ना गाइस, तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि कोई खिलाफत मूवमेंट के बारे में बोलते बोलते मियाँ दीदी का नाम बता दिया हो। अगर ये अंगोरा है तो उस हिसाब से तो ये वाला फ्लेमिश जायंट है। जब मैंने एक राशियन चिलचिला की मेल के साथ एक न्यूजीलैंड वाइट का फीमेल का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया था, तो ए रैबिट निकल के आया था जो अभी भी अर्पण भैया के पास एक है। तो डेफिनेटली एक क्रॉस ब्रीड का रैबिट है जो है राशियन और बेल्जियम का। बेल्जियम का थोड़ा बहुत फार मिला है और राशियन का हाइट और लेंथ मिला है, तो इसको आप अनगोरा तो नहीं बोल सकते। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं इन लोगों की प्राइसिंग के बारे में। तो एक एग्जोटिक ब्रीड है तो इनका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, लगभग 13,000 का एक पेयर आता है। और उसके साथ थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है, मान लीजिए 600 से 650 के अंदर होता है। कमेंट बॉक्स के अंदर मैं मेरा फ़ोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना। बहुत सारे क्लाइंट को ये जो ब्रीड है जर्मन अंगोरा इसको डिलीवर दे चुका हूँ, तो एक हैप्पी कस्टमर रिव्यू दिखाते हैं लेटेस्ट वाला, ठीक है तो आप लोग देख लो। तो भैया आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम भाई सैयद इंशा। अच्छा तो आपका लोकेशन कहाँ पे है भाई? पार्क सर्कस। अच्छा पार्क सर्कस। भैया मतलब क्वालिटी कैसा है कुछ बोलिए इसके बारे में। बेस्ट है भैया, जैसा मैंने फोटो में देखा था जी, उससे और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अगर आपको रेटिंग देना हो 10 में से 10 में से कितना दोगे? 10 में 10। 10 में 10 पूरा 10। तो भैया एक मेल है ठीक है, और भी एक है इसके अंदर बैग के अंदर है फीमेल, ठीक है दोनों लिया है इस भैया ने जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है तो ठीक है भैया डन। आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब करते हो नहीं, तो इसीलिए मैंने भीख मांगना छोड़ दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लिंक कॉपी करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एक शेयर कर देना। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय बंगाल, हर हर महादेव, जय शिव शंभो।